हेलो, मेरा नाम विजय है और मैं आज आपको ऑनलाइन पे कैसे कमाते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, मैं ये आपको समझा दूंगा। तो ये बहुत ही जेन्यून काम है और ये जैसे ऑनलाइन जैसे यू नो डेटा एंट्री और या एड क्लिकिंग का जॉब बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल जेन्यून पेज का अपलोड का काम है। इसे एफिलिएटेड मार्केटिंग से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हाँ, ये बिल्कुल अपलोड का काम है और आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कंट्रोल सी यानी कॉपी, कंट्रोल वी यानी पेस्ट और ऑल्ट टैब जिसको कहा जाता है, एक ब्राउज़र से दूसरे ब्राउज़र या विंडो को फ्लिप करने के लिए। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दे दूँगा, बट पहले हम काम को शुरुआत करते हैं। हर पेज के लिए आपको 1 रुपी मिलेगा और अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो इसको बनाने के लिए हम बाद में इसका सोच विचार करेंगे या इसके बारे में सोचेंगे। पर ये मंथ के एंड में आपको इसकी सैलरी या पेमेंट मिल जाएगी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल मन लगा के काम करो, बिना डाउट के, बिना झिझक के। अगर आप 30 पेजेस प्रतिदिन या 50 पेजेस भी कर लेते हो तो आप मंथली 15,000 तक कमा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो ये बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को आप सीखना। तो मैं शुरुआत करता हूँ यूज़र फोल्डर से। तो ये यूज़र फोल्डर इसलिए रखा गया है कि आपको ये ईमेल्स के द्वारा जो फोल्डर में दिया जाएगा, तो इस फोल्डर में चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। एक जो एलिमेंट है जिसका फोल्डर का नाम 2 अगस्त 2009 है, तो ये मैं इमेजेस डिलीट कर देता हूँ, वो जो स्नैपशॉट के इमेजेस हैं, इसको मैं रीनेम करता हूँ आज के तारीख पे 5 अगस्त 2019। और बाकी के जो भी नोटपैड है, एक तो है आपका जीमेल का पासवर्ड, तो आपको खुद जीमेल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो भी काम मैंने जो भी फाइल अपलोड की है तो इससे ही लिंक्ड है। तो अगर आपका पर्सनल ईमेल इसमें कोई काम नहीं आ सकता, तो इसमें जीमेल का आईडी है, पासवर्ड है और एडमिन जिसे कहा जाता है, वेबसाइट की एडमिन जो है, जहाँ से पेज आप अपलोड करोगे, एडिट करोगे या जो भी करेक्शन है, जो एडमिन पेज का पासवर्ड और आईडी है। तो फिलहाल तो ये मैं ईमेल से ही आपको पहुंचा दूंगा। जैसे ही आपसे मुझे मैसेज आता है व्हाट्सएप में कि आई एम इंटरेस्टेड इन वर्क, प्लीज़ गिव मी वर्क, देन मैं आपको ये आईडी शेयर करूंगा। और उसके बाद है दूसरा नोटपैड कॉल मूवी। मूवी खास कर इसलिए है कि आजकल सब जगह मूवी चल रहा है। लोग जब भी बातें करते हैं, क्या आपने वो मूवी देखा, क्या आपने ये मूवी देखा, वाह क्या सीन था, वाह क्या डायलॉग था, या हीरो को अच्छा करना चाहिए था, अरे हीरो अच्छा नहीं था, अरे विलन का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था, विलन नहीं होता तो मूवी में मज़ा आता, तो बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं। और ये मूवी का बहुत ही सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, बार बार सुनने का मन कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल फेमस है। तो इसलिए मैं मूवी नोटपैड इसलिए मैंने बनाया कि चलो इसे खोल ही लेते हैं, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि
ये वेबसाइट आपको क्या अपलोड करना है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है तो ये पूरे टाइटल के मूवी है। इसमें क्या, इसमें जो फेमस कीवर्ड जैसे हिंदी फुल मूवी, हिंदी डाउनलोड फुल मूवी, हिंदी फुल मूवी ऑनलाइन फ्री, हिंदी फुल मूवी HD डाउनलोड, HD मूवी, हिंदी मूवी हिंदी डाउनलोड, तो इसका मतलब है कि आपको अभी पता भी चल गया होगा कि ये जो भी है पेजेस अपलोड करने हैं, तो ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट पेजेस है। तो इसके बाद जब सॉन्ग्स की बात आती है, जब मूवी का सॉन्ग है, जो मूवी का जो भी टाइटल आपको कॉपी करना है और यहाँ पेश करके बनाना है जो भी इस मूवी के रिलेटेड, तो पहले तो शुरुआत करते हैं काम की। तो उसके बाद आपको ये चीज़ को मैं क्लोज कर दूंगा, ये आपके सेपरेट पेजेस बनेंगे जो होंगे आपके पेज के टाइटल। ये एक पेज हो गया, ये एक पेज हो गया, ये एक पेज हो गया, तो इस चीज़ को हमको रीनेम करना है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ, तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा कीवर्ड्स जैसे हिंदी फुल मूवी, तो आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप और पेजेस ऐड करना चाहते हैं। तो इस नोटपैड को मैं यहीं क्लोज कर लेता हूं और हम लोग आते हैं दूसरे नोटपैड पे। इस नोटपैड में आपको दिखेगा कि एक जो लिंक है, तो ये थंबनेल का लिंक है। कभी भी आप अगर गूगल सर्च करते हो तो मैं इस क्रोम को मैं मिनिमाइज करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इन गूगल सर्च जब भी आप कुछ मूवी का टाइटल टाइप करते हो, जैसे खानदानी साफिया खाना हिंदी मूवी फुल मूवी, चलो इसके ऊपर हम खोज करते हैं, तो पहले यूनिवर्सल सर्च जिसे ऑल कहा जाता है, जब हम सर्च मारते हैं गूगल सर्च इंजन में, तो ऑल का मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में सब कुछ आता है, जैसे न्यूज़ आती है और वीडियोस दिखाई देती हैं, उसके साथ थंबनेल्स दिखाई देते हैं। आपने अपने ध्यान से देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे जो भी थंबनेल्स होते हैं वीडियोस को, तो बहुत ध्यान उसके ऊपर जाता है, और बाकी के हेडिंग्स तो इतना ध्यान उन पे नहीं जाता, बाद में इमेजेस के ऊपर ध्यान जाता है। तो हम देखते हैं कि इस टाइटल के ऊपर बहुत सारे लिंक्स ओपन हुए हैं, तो जैसे डेली मोशन का है, ये बुक माई शो का है। हम ये भी देखते हैं कि अगर आप वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो बाकी के पूरे वीडियोस दिखाई देंगे जो भी रिलेटेड। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो हम मेरी वेबसाइट है तो ये वीडियोस के ऊपर आधारित है, अगर जो भी अपलोड करोगे तो ये वीडियो बेस्ड होगा। जैसे YouTube को मान लो, YouTube इज एन एग्जाम्पल, सो उसका ही एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट में दिखाई पड़ेगा। तो काम को शुरुआत करने के लिए मैंने आपको अच्छा एग्जाम्पल दे दिया है कि जो भी वीडियो आप बनाओगे, आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, तो जो मैं नोटपैड के बारे में बात कर रहा था, तो ये फर्स्ट जो लिंक है इसे कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो मैं अभी काम नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो अगर मैं इस चीज़ को पेश करके मैं यहाँ पेश करता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि यह बहुत ही अच्छा फोल्डर है, पोस्टर है। तो इस पोस्टर में आपको दिखाई देगा कि ये हमारा वीडियो का थंबनेल बनेगा। तो हर बार आपको ये जो यहाँ आईडी है, तो इस आईडी को चेंज करना है। तो हर आईडी के लिए, फॉर एग्जांपल मैं गूगल सर्च में
जाके वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो यूट्यूब का जो भी लिंक है मैं उसे कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करूँगा और आप देखेंगे कि बहुत सारे इमेजेस खुलते हैं। तो ये जो भी वी इज इक्वल टू के बाद जो भी आई डी आती है तो इसको आप ऐसे कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो तो इसकी का जो भी पोस्टर है आपको दिखाई देगा। तो इसका पोस्टर हम ये आईडी को कॉपी करके इसमें देख सकते हैं। तो ये लिंक हमने डिफॉल्ट से यहाँ पेश किए हैं। तो उसके बाद मूवी का जो भी टाइटल है वो आपको पेज में पेस्ट करना है और उसके बाद वीडियो का जो लिंक है यूट्यूब वीडियो से लेकर आपको मेरी वेबसाइट पे डालना है। सिर्फ लिंक डालने से बस इसका मतलब है वीडियो कॉपी हो गया। इसके लिए आपको कुछ अपलोड की कोई ज़रूरत नहीं है, अपलोड बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है और पेज को पब्लिश करना है। उसके बाद आता है वीडियो से रिलेटेड वीडियो टैग्स। तो बहुत सारे वीडियो टैग्स हैं, हाँ कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो टैग्स को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। इसके बारे में मैं बता दूंगा ये कैसे आप कर सकते हो, सिर्फ ये काम कॉपी और पेस्ट का ही है। अब आते हैं रियल काम पे। तो अभी आप समझ ही गए होंगे ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में आप अपना स्क्रीनशॉट जो भी आपने काम किया है उसका स्क्रीनशॉट इस फोल्डर में जाएगा और ये स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करोगे कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने आज कितने पेजेस पे काम किया है, कौन से लिंक्स हैं और मैं इस चीज़ को चेक भी करूँगा कि आपने अच्छा काम किया है या नहीं। अब काम की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फायरफॉक्स ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लें या गूगल क्रोम को भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये दो ब्राउज़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना मेरी वेबसाइट नहीं चलेगी। तो अब आप कहोगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर चलेगा क्या या यू नो मेरे पास तो यही ब्राउज़र है भाई। नहीं, आपको सिर्फ फायरफॉक्स और क्रोम का ही इस्तेमाल करना है। तो क्रोम सिर्फ देखने के लिए रिजल्ट्स जो भी आपको दिखाई देगा तो आप क्रोम में ही देखोगे और जो भी पेजेस अपलोड करोगे या एडिट करोगे या पेस्ट करोगे तो ये काम एडमिन का काम पूरा फायरफॉक्स से ही करोगे। तो ये जो भी दो ब्राउज़र्स हैं आप बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी ब्राउज़र से। सिर्फ google.com में फायरफॉक्स ब्राउज़र इंस्टॉल जब आप टाइप करोगे तो खुद आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर सकते हो, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब रहा यस अब बात रही काम की, तो मैं क्रोम को पहले ओपन करूँगा। मेरी वेबसाइट में जाने से पहले आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है जो है एड ब्लॉक। अगर एड ब्लॉक को देखते हो आप तो बहुत सारे एड ब्लॉक्स होते हैं, BLOCK एड ब्लॉक फॉर क्रोम। अगर आप ऐसे टाइप करते हो तो आपको दिख जाएगा कुछ अब एड ब्लॉक आपको इंस्टॉल करना है। ये किसी भी जीमेल आईडी से आप कर सकते हो। अभी मैं जीमेल आईडी आपको शेयर नहीं किया तो काम के लिए अलग से जीमेल आईडी है। तो इस चीज़ को आप पहले इंस्टॉल कर लो। जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया इस यू नो एक्सटेंशन को, जिसे इस एक्सटेंशन कहा जाता है, ये पूरे ब्लॉक जितने भी एड्स है तो वेबसाइट में ये चीज़ ब्लॉक कर देता है।
तो मेरी भी वेबसाइट में थोड़े से आज है, तो जिनको मैं मानता हूँ कि आप इस चीज़ को ब्लॉक करो, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप क्लिक भी करते हो, बिल्कुल गलती से भी मत करना, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये एडवर्टाइजर्स के लिए ही है, आपको इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए एड ब्लॉक इंस्टॉल करने के बाद, आपको ये जो भी इंस्टॉल एक्सटेंशन करने के बाद, आपको यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वहाँ ये सिंबल आ जाएगा। तो मैं इस चीज़ को क्लोज कर रहा हूँ और मैं google.com सर्च इंजन के यहाँ जाऊँगा। यहाँ सर्च इंजन में आप mustmustk.com टाइप करोगे, या फिर डायरेक्टली जहाँ वेबसाइट का लिंक है तो वहाँ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, mustgaze.com। तो इस mustgaze.com में पहले ही आप अगर देखोगे तो को बहुत सारे लिंक्स दिखेंगे। यहाँ बहुत सारे थंबनेल्स दिख रहे हैं कि आप इस पे ऊपर क्लिक करो और वीडियो देखो। तो ऐसे बहुत सारे लिंक्स यहाँ हैं। तो हर पेज जब आप अपलोड करते हो तो ये पहले पेज पे आता है, जहाँ ये 1, 2, 3, 4 दिया है, तो 1 पे ही आएगा और वो भी पहले नंबर पे। अब ये चीज़ क्या है, तो हम इस चीज़ को क्लिक करके देखेंगे। तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू विंडो किया है, तो इसमें आपको एक अच्छा सा लिंक दिखाई देगा, जैसे video/गाना 369 तेलुगु डाउनलोड फुल मूवी। उसके बाद आपको दिखाई देगा कि एक अच्छा सा टाइटल है जो लोग पढ़ सकें, और इसके बाद यूट्यूब का जो भी लिंक है, जब मैं ये प्ले करूँगा तो ये प्ले होगा। तो उसके बाद आपको दिखाई देगा कि ये कंटेंट है वीडियो का, और उसके बाद वीडियो का टैग्स है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं, तो बहुत सारी नहीं है, यहाँ एक इसका लिंक का ध्यान रखना है आपको, टाइटल का ध्यान रखना है, 2 और 3 वीडियो का, और वीडियो के ऊपर जो थंबनेल है, तो ये चीज़ याद रखनी है, और कंटेंट और वीडियो टैग। तो ऐसे 6 या 7 चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना। तो वेबसाइट का ये क्या फ़ायदा है, तो वेबसाइट का ये फ़ायदा है कि हम जब इस चीज़ को, मैं ये क्लोज करके मैं यहाँ जाऊँगा, जब मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ गाना 369 तेलुगु फुल मूवी, तो मैं अगर गूगल सर्च में इस चीज़ को टाइप करता हूँ तो आपको टॉप स्टोरीज दिखाई देंगे। तो हमारा वेबसाइट उससे रिलेटेड नहीं है, न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वीडियो से है, तो ये वीडियो गूगल सर्च में दिखेगा या नहीं, हम इस चीज़ को देखेंगे। तो थंबनेल तो ऐसा है भाई, तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से देखेंगे कि ये बिल्कुल दिख रहा है या नहीं। तो दूसरे बहुत कंपीटर्स हैं, जैसे साक्षी.com या तेलुगु सम्यम .com, तो बहुत सारे वेबसाइट है जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन हमको उनसे भी पहले रहना होगा। तो इस वजह से वेबसाइट का पूरा बहुत ही ध्यान रखना। तो ये 6th पेज में इस चीज़ को बता रहा है, तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि आपका क्या काम है। आपका यही काम है कि आप जब पेज अपलोड करोगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि
पेज का टाइटल बनाओ, अच्छा लिंक बनाओ और अच्छा डिस्क्रिप्शन दो, अच्छा वीडियो डालो, और बहुत मेन बात है कि वीडियो थंबनेल जो है वो अच्छा लगाओ। मैं इस वीडियो को ये जो आदमी जो बात कर रहा है उसका इमेज तो नहीं लगाऊंगा, इसको इससे रिलेटेड जो इमेज है उसको लगाऊंगा। बहुत सारे चीज़ों में आपने ध्यान रखा होगा, जब मूवी रिलीज़ होती है तो तुरंत ही ऑनलाइन में उसका फुल मूवी नहीं दिखाई देता, तो मैंने इसका कुछ उपाय निकाला है कि अगर इस चीज़ को ट्रैफिक चाहिए तो हमको एक काम करना होगा, लोगों को हमको गाने बताने होंगे। अगर मैं कहूँगा कि गना 369 तेलुगु फुल मूवी है, लेकिन उसमें तो भाई गाना प्ले हो रहा है, तो होने दो भाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम है इससे? नहीं है, है ना? तो बहुत सारे ऐसे टाइटल्स होंगे जैसे गना 369 तेलुगु फुल मूवी डाउनलोड लिंक, लेकिन जब भी विजिटर्स आएंगे जब वो देखेंगे तो गाना प्ले हो रहा है, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई चलो गाना तो अच्छा है, तो चलो कूल सी तो भी चीज़ काम को दबा रही है। तो इसका मतलब आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपका काम सिर्फ है कि अपलोड करो और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करो। तो रही बात गानों की, चलो गाने बता के लोगों को बुलाना है। अब रही बात पेज अपलोड की, तो पेज अपलोड करने से पहले मैं यही बता रहा था कि अगर आप क्वालिटी का काम कर रहे हो तो बिल्कुल सर्च इंजन में इसका फ़ायदा होगा, सर्च इंजन में ये आएगा और ये आने से वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगा और इससे आपको भी फ़ायदा होगा जो भी आप अर्निंग कर रहे हो। हर पेज एक रुपया है, तो पहले परफॉर्मेंस देखते हैं आपका, इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसे बढ़ाने चाहिए। तो बिल्कुल आप पहले सीखते हो तो पहले इस चीज़ को समझोगे, बाद में इस चीज़ को सोचोगे, बाद में इस चीज़ को करोगे, तो एक तरह का आदत सा बन जाता है कि हम ये बहुत काम बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल लगेगा। पहले सीखने के टाइम पे आपको लगेगा यार इतना बड़ा काम और एक रुपये पर पेज, नहीं ये पेज 3 मिनट भी नहीं लगता अपलोड होने के लिए। अगर आप 1 घंटे में जितना पेजेस अपलोड करना है तो आप कर सकते हो। पहले तो फ़ायदा मत देखो, पहले तो काम को देखो, काम सीखने को देखो, बाद में जैसे मैंने कहा कि ये बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब है, तो इसमें आप 12 to 15,000 भी कमा सकते हो। तो दिन भर करोगे, मेहनत करोगे, तो आखिरी में आपको इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा। तो वो रहा पेज अपलोड का प्रॉब्लम। जैसे जो भी आपको डाउट्स है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। रहा बात अभी पेज अपलोड की, तो अगर आप पेज अपलोड कर रहे हो और वेबसाइट में आपने कर दिया पूरा काम, चलो भाई काम हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि गूगल को पता चला। तो गूगल को पता चलने के लिए हर वेबसाइट जो भी होता है तो इसमें साइट मैप का इस्तेमाल करते हैं। साइट मैप इसलिए बनाते हैं कि गूगल को पता चले, गूगल के स्पाइडर्स को पता चले कि आपने कुछ पेज अपलोड किया है, भाई इसका अप्रूवल गूगल से ही मिलेगा, तो गूगल देखता है कि अवेलेबिलिटी मोबाइल वर्शंस में है या डेस्कटॉप वर्शंस में है। तो ये सिर्फ वेबसाइट का जो साइट मैप है, हम अगर इस चीज़ को कंट्रोल सी या कॉपी करते हैं देन कंट्रोल वी और उसके बाद स्लैश के बाद mustgaze.com/ उसके बाद sitemap.xml, जैसे ही आपने हिट किया तो आपको साइट मैप के लिंक्स दिखा देंगे। ये जो भी है साइट मैप्स के लिंक है। अगर बॉटम ऑफ द पेज जाओगे तो आपको वीडियो साइट मैप 5
हर साइट में अभी जो भी है 1, 2, 3, 4, 5 ये पूरे साइट मैप्स हैं। हर साइट मैप्स के अंदर 500 वीडियोस अपलोड होते हैं और एक बार जब अपलोड हो गया तो ये अपनी दिशा साइट मैप 6 पे चले जाता है। एक बार बकेट फिल हो गया तो 7 पे 8 पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ अपडेट नहीं दिखाई दे रहा हो साइट मैप में तो ये 6 में चले गया होगा। तो फिलहाल तो हम बकेट वीडियो साइट मैप 5 की बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम ओपन करते हैं। तो आप ऐसे करके क्लिक कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे ही आपने क्लिक किया तो जो भी सफ़ेद एरिया है वहाँ आप राइट क्लिक करके वीडियो पेज सोर्स पे चले जाओ, और उसके बाद जैसे ही वीडियो फाइल वीडियो व्यू सोर्स में जाओगे तो बिल्कुल बॉटम पेज पे स्क्रॉल करके यहाँ तक आना है। जो भी पेज आप अपलोड यहाँ करोगे तो ये बॉटम ऑफ द साइट मैप दिखाई देगा। तो अगर ये बीच में का जो पेज है इसको आप क्लोज कर सकते हो। सिर्फ आपको वेबसाइट और व्यू सोर्स का लिंक यहाँ दिखाई देना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई लिंक नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर अब रहा साइट के साइट मैप का मामला, तो मैं यही समझा रहा था कि जब आप इस चीज़ को अपलोड करते हो तो मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ से करूँगा। सॉरी, हाँ, तो ये जो पेज है तो मैं इसको क्लिक करके आपको इसके बारे में डिटेल्स से समझाऊंगा कि साइट मैप हर पेज के लिए कैसा बनता है। ये रहा लिंक, वेबसाइट का लिंक जो आपने अपलोड किया है। जब भी मैं कॉपी कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करता हूँ तो कॉपी पेस्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ है वेबसाइट का लिंक। हर साइट मैप का साइट मैप URL से ओपन होता है और /URL से बंद होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी है, जो भी जो अंदर के चीज़ें हैं इसके अंदर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गूगल रोबोट्स को समझने के लिए। अभी रहा टाइटल का, पेज का टाइटल, तो ये पेज का टाइटल मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा कि टाइटल है पेज का टाइटल, ये यहाँ आ रहा है। तो बहुत ध्यान से आप विदाउट स्पेसेस और जो भी फर्स्ट वर्ड का जो लेटर होता है तो वो कैपिटल लेटर में रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल दिखने में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जैसे यू नो, थोड़े लोग स्पेस लगा देते हैं, थोड़े लोग स्मॉल एस होता है, स्मॉल हिंदी होता है, बाकी का डाउनलोड का फर्स्ट जो लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है। यू नो, जो भी मैं कह रहा हूँ कि तो फर्स्ट जो वर्ड है वो कैपिटलाइज होना चाहिए और बाद में स्पेस का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया टाइटल। तो उसके बाद पब्लिशिंग डेट का मामला आता है। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब आप पब्लिश कर रहे हो तो बहुत 1 सेकंड में आप पब्लिश करो इस चीज़ को। अगर आपने डिले कर दिया तो ये पब्लिशिंग डेट जो है, ईयर मंथ और डेट, ये नहीं आएगा यहाँ। यहाँ आपको 0000000 ऐसे डिस्प्ले होगा। तो इसका मतलब है एरर है भाई, ज़रा डिले कर दिया या अपलोड में ज़रा प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए ये 00 आ गया पब्लिशिंग डेट। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, इस चीज़ को हम दोबारा अपडेट करने के बाद एक जो कोड होता है यूट्यूब एम्बेडेड कोड, तो उसको हम कट करके फिर से पेस्ट करके अपडेट करना है। उसके बाद ये चीज़ पब्लिशिंग डेट करेक्ट हो जाती है।
जैसे इसमें ईयर मंथ और डेट और जितना टाइम लगा है, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। आपके वीडियो टैग्स डिस्क्रिप्शन भी बन सकते हैं। इसका मतलब नहीं, ये नहीं है कि आप दिन भर एक पेज के लिए टाइप कर सकते हो, नहीं, हमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल जैसे ही काम मिला, जैसे सुबह हुई, चाय पिया, चलो अपलोड, यू नो, ऐसे चीज़ें करनी है। तो उसके तो डिस्क्रिप्शन ये हो गया, और उसके बाद है वीडियो का थंबनेल। जैसे मैंने बताया था, तो इस वीडियो को जब हमने गूगल सर्च में सर्च किया इस टाइटल से, तो ये यहाँ थंबनेल अलग बता रहा है और वहाँ अलग बताएगा। कई मामलों में ये जो थंबनेल है मूवी वीडियो से रिलेटेड नहीं रहता। अगर आप इस चीज़ को क्लिक कर रहे हो तो चलो कई बार रिलेटेड होता है। तो इस ये जो भी लिंक है ये डिफ़ॉल्ट से आपको इस अपलोड टेक्स्ट में पूरा बना के दूंगा। तो आपको कुछ ऐसा कॉपी, सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही करना है, सिर्फ कोड को बदलना है। और जब भी आप ये चीज़ को कॉपी करके आप इस चीज़ को यहाँ न्यू टैब में देखोगे तो इसका क्लैरिटी आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो उसी पेज से रिलेटेड है और उसी वीडियो से रिलेटेड है। तो इस चीज़ को मैं अभी क्लोज कर दे रहा हूँ। तो हर बार आपको चेक करना है अपलोड करने से पहले। कई बार पोस्टर्स नहीं रहते, तो अच्छा पोस्टर का लिंक लेके दूसरे वीडियोस से भी आप ये कोड को बदल सकते हो अच्छे पोस्टर के लिए। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे पोस्टर्स रिलेटेड ही होते हैं एक वीडियो को लेकर। उसके बाद आती हैं वीडियो टैग्स। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। चलो अब रहा बारी अपलोड की। हम लोग अपलोड कब करेंगे भाई, बहुत ही हो गया फिलॉसफी, हिस्ट्री, बहुत ही जानकारी आपने हासिल कर ली होगी, लेकिन अभी ज़रा बाकी है, अभी काम ज़रा बाकी है समझाने का। तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही बोरिंग का जॉब है। नहीं है, बिल्कुल बोरिंग का जॉब नहीं है, बहुत ही एक्साइटिंग का जॉब है। और हर पेज को आपको अपलोड करने में बहुत ही आनंद आएगा। अब रहा बात कौन से वीडियोस अपलोड करने हैं। तो अगर क्रोम में, जैसे मैंने कहा, क्रोम इज़ ओनली फॉर व्यू, सिर्फ देखने के लिए, जो भी देखना है सिर्फ क्रोम में ही देखो। तो एक नया टैब ओपन कर लेते हैं यहाँ, और हम बुक माय शो को चले जाते हैं। यहाँ आप रीजनल बेस्ड, आपका रीजन जो भी है तो वहाँ आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अगर रीजन नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप फर्स्ट टाइम पे वो बता देगा कि रीजन सेलेक्ट कर लो। तो आप रीजन्स को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं हैदराबाद से हूँ तो हैदराबाद का मैंने रीजन सेलेक्ट किया है। तो इसलिए आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि कि बहुत सारे तेलुगु मूवीज़ है तो इसको मैं अपलोड किया है। तो कोई बात नहीं है, तेलुगु या हिंदी हो या बंगाली, हम है भारतवासी। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी पॉपुलर वीडियो चल रहा है उसको आप अपलोड कर सकते हो। मैंने देखा है कि ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, ये देख लेते हैं आप कुछ, यहाँ बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो इस मूवी का नाम है मैन मधुलू। ओके, मैंने समझा मैन मधुलू। तो मन मधुलू टू ये है तेलुगु का मूवी। तो वो अगर इस चीज़ के ऊपर हमको पेजेस बनाने हैं तो हम यहाँ जाएंगे वीडियो नोट पैड में जाके। कांत
खानदानी साफिया जो दो लेटर के कीवर्ड है उसको हम बदलेंगे, यहाँ तीन लेटर के कीवर्ड है क्योंकि साफिया खाना हिंदी मूवी है, तो हमको मन मधुलु को चेंज करना है और तेलुगु भी लगाना है। तो नोटपैड में एडिट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो उसको हम सेलेक्ट करते हैं और रिप्लेस क्या फाइंड करना है, फाइंड व्हाट, फाइंड खानदानी साफिया खाना हिंदी है ना, पेस्ट रिप्लेस विद मन मधुरु तेलुगु TELUGU तेलुगु, बस बाकी का काम ये जब आप पेस्ट करोगे या टाइप करोगे तो स्पेसेस को बिल्कुल नहीं लगाना है, बहुत ही ध्यान रख के काम करना है। जैसे मैंने कहा जो भी फर्स्ट लेटर होता है हर वर्ड में तो उसको टी कैपिटल कैपिटल टी या कैपिटल ए जो भी है तो कैपिटल में लगा देना, और रिप्लेस ऑल करना है, बिल्कुल एक रिप्लेस नहीं करना है आपको, पूरा बहुत ही रिप्लेस करना है, पूरे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस ऑल मैंने हिट कर दिया। अब हो गया हमारे इतने सारे पेजेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पेजेस है, और इसके बाद में मूवीज भी सॉन्ग्स भी आएंगे, सॉन्ग्स के नाम भी आएंगे, तो 15 ऐसे कुछ पेजेस होते हैं हर मूवी के। तो चलो ये तो काम हो गया, अभी आपको पता चल गया होगा कि ये पेजेस अपलोड करने हैं, तो इस चीज़ को मैं क्लोज यहाँ कर देता हूँ। तो अभी ब्राउज़र में आपको सिर्फ वेबसाइट दिखेगा और उसका साइट मैप दिखेगा। अब हम तैयारी करते हैं, इस चीज़ को आप सेव कर सकते हो इस नोटपैड को, तो हम तैयारी करते हैं अपलोड के लिए। अभी अपलोड आपको फायरफॉक्स से करना है, चलो फायरफॉक्स में चले जाते हैं, और इस चीज़ को मैं मिनिमाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। तो लेफ्ट साइड में मेरा पेजेस हैं ब्राउज़र के, और राइट साइड में है कंटेंट। यहाँ आपको mustgaze.com/admin टाइप करना है। जैसे ही आपने mustgaze.com/admin को टाइप किया तो आपको लॉगिन विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ आपको ऐसे प्रेस करना है और आपका यूज़र एंड पासवर्ड मैं ईमेल से शेयर करूँगा। जब आप इंटरेस्टेड होंगे, जब मैं आप मुझे कॉल करोगे बोलोगे, तो अब मैं इस चीज़ को पॉज कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको नहीं दिखे। ओके, तो मैं हाँ तो मैं बिल्कुल दोबारा आ गया यहाँ, और मैंने यूज़र आईडी टाइप किए हैं और पासवर्ड भी मैंने टाइप किया है यहाँ। और इसका मैं आपको जब भी आप इंटरेस्टेड है काम के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में 9603675116 को मैसेज भेज सकते हैं कि मैं काम के लिए इंटरेस्टेड हूँ, तब मैं आपको ईमेल में ये पूरी जो फोल्डर की डिटेल्स है वो आपको मैं दूँगा। तो जैसे ही हम एंटर होते हैं मैसेज यूजर वन पासवर्ड से, तो यहाँ आपको ये जो वेबसाइट है क्रोम में जो भी वेबसाइट दिख रही है mustgaze.com, तो इसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो यहाँ आपको तुरंत ही वीडियो सेक्शन में ही जाना है, और दूसरी जगह पे आपको कहाँ भी नहीं जाना है क्योंकि आपको वो कुछ फ़ायदा नहीं देगा। प्लीज़ पासवर्ड को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी है पासवर्ड वही रखिए एंटर करने के बाद, नहीं तो आपका एक्सेस मैं एक ग्रैंड एक्सेस आपको मैं ग्रैंड एक्सेस से भी निकाल सकता हूँ। और रही बात पेजेस की,
बहुत सारे पेजेस हैं यहाँ वीडियोस के, प्लीज़ इस पेजेस को डिलीट मत करो क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हमको एक चीज़ से ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करते हैं तो एक तरह का हमको शपथ लेनी पड़ती है कि जो भी मैं करूँगा बहुत मन से करूँगा और बहुत श्रेष्ठता से करूँगा या बहुत मेहनत से करूँगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर कुछ सोच के आप करते हो तो बिल्कुल बहुत ध्यान से आप करोगे और इसका पैसा आपको मिलेगा। जब आप कुछ डिलीट करते हो या कुछ मन को बदल के, अरे भाई इस चीज़ को मैं ऐसा कर लूँगा वैसे कर लूँगा, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट है जी, इसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप नुकसान पहुँचा सकते हो दूसरे आदमी को या खुद को। और इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को सीरियस लेके ही करना, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि आप इस चीज़ को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ जाके मूव टू ट्रैश कभी मत करो क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको ऐड करना है और एडिट करना है, यहाँ जो वीडियो का ऐड करने का बस ऑप्शन है। अभी मैं यही बोल रहा था कि कुछ जब हम पेज को ऐड करेंगे, अगर पेज को ऐड करना है तो मैं यही बता रहा था कि आपको यू नो ग्राउंड वर्क की ज़रूरत है। पहले तो आपको पेज तैयार करना है कुछ कॉपी करने के लिए। तो यहाँ अपलोड टेक्स्ट दिया गया है, तो आप इस चीज़ को ऐसे ओपन करो। तो यहाँ आपको अपडेट करना है, ये जो मूवी का फोल्डर है इसको मैं फ्लिप करूँगा, मूवी फोल्डर मन मधुरु तेलुगु फुल मूवी, ये हमारा पेज का टाइटल होगा। अब रही बात फर्स्ट पेज की, यहाँ आपको फायरफॉक्स में और एक टैब ओपन करके google.com ले जाना है और यहाँ मन मधुरु रिलेटेड वीडियोज ही लेना है, मन मधुरु सॉन्ग्स। मैंने जैसे ही कहा था कि सॉन्ग्स के ऊपर जाओ क्योंकि ये 15 मिनट का शो किसी भी ऑडियंस को दिखाई देगा, तो सॉन्ग्स तो बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं, तो मैं सॉन्ग्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करूँगा, लेकिन आपका टाइटल अलग होगा। तो ये सॉन्ग है मन मधुरु का, तो इसको आप ऐसे कॉपी करके आईडी को वी इक्वल के बाद जो भी आईडी आ रही है तो उसको आप कॉपी करके यहाँ रिप्लेस कर लो, यहाँ एक जगह यूट्यूब जो लिंक है, और उसके बाद सब नील के यहाँ कॉपी और पेश कर दो, ठीक है। यहाँ एक आईडी है और दूसरी आईडी एक यहाँ है। अब रही बात पोस्टर की, तो एक बार देख लो पोस्टर काम कर रहा है या नहीं, तो इसका मतलब है ये पोस्टर बिल्कुल काम कर रहा है, तो इस चीज़ को क्लोज कर दो, आईडी तो बिल्कुल काम करेगा। और रही बात डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के टैग्स को भी डिस्क्रिप्शन किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको नया विंडो खोलना है और यहाँ आपको गूगल सर्च में यहाँ टाइप करना है मन मधुरु 2 तेलुगु फुल मूवी। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको टाइटल नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ऑलरेडी मैंने ये टाइटल यहाँ बना के रखा है। तो इसको खानदानी साफिया कारणों को हम हटा के हम मन मधुरु लगा देंगे, ठीक है। तो साफिया खाना को मैंने सेलेक्ट कर दिया और मन मधुरु 2 है ना, तो इस चीज़ को रिप्लेस ऑल कर दिए, तो ये हो गया बहुत सारे टाइटल्स, ओके। तो वीडियो टैग, तो इसको हम डिस्क्रिप्शन भी बोलेंगे। तो यहाँ भाई पेज तो बन गया, ये जो कोड है इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो सिर्फ आपको 3 चीज़ें अपलोड 4 चीज़ें अपलोड करनी है,
एक तो पोस्टर है, टाइटल है, वीडियो है और डिस्क्रिप्शन है, वीडियो टैग्स है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, तो यहाँ वीडियो सेक्शन में जाके आपको जल्दी करना है ये चीज़ को, ऐड वीडियो मन मधुरु टू तेलुगु फुल मूवी। इस चीज़ को मैं पहले ही कॉपी कर चुका हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ऐड यहाँ टाइटल लगा दो, ये जो नीचे का ब्लॉक है यहाँ डब्बा है यहाँ लगा दो, ये डब्बे को यहाँ से भी देखा जा सकता है। और दूसरा जो है डब्बा जो इसमें यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। बाद में जो भी टैग्स है वीडियो टैग्स में डालने हैं और आपको पब्लिश करना है। एक बार आपने अगर पब्लिश कर दिया उसके बाद आपको पोस्टर लगाना है। तो इसके लिए हम ये कॉपी करेंगे, यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम लगता है अपलोड के लिए। तो पब्लिश हो गया भाई पेज। अब जब नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको प्लग के जैसा बटन दिखाई देगा, वहाँ आप इस लिंक को पेस्ट कर दो और जो भी टैग्स हैं आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ टैग्स को आप लगा सकते हो। जैसे ही आपने लगा दिया तो अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद तुरंत ही आप यहाँ आके वेबसाइट के लोगों के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बहुत लोग तो नहीं करते क्योंकि इनको आदत सी पड़ जाती है, क्योंकि ये कैसा भी अपलोड होगा। जैसे आपने अपलोड किया तो वीडियो यहाँ चढ़ गया और उसके बाद ये जो क्लिक करके देखते हैं, मैं सिर्फ क्लिक करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझाने के लिए कि पेज कैसा दिखता है। तो ये पेज ऐसा दिख रहा है ना, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से दिख रहा है। अब आता है बात ये साइट मैप की। हर वीडियो का हर एक साइट मैप होता है जैसे मैंने बताया, तो ये तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे आपने रिफ्रेश टाइप कर दिया तो जैसे ही रिफ्रेश आपने क्लिक कर दिया यानी पेज को रीअपलोड, तो आपको जैसे ही आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको टाइटल, पब्लिशर डेट 2019 अगस्त, और हमने जितना भी देर लगाया अपलोड के लिए बहुत सारे इंस्टेंसेस में 000 बता देता है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए आप फायरफॉक्स में ऐसे जा सकते हैं, ये जो कोड दिखाई दे रहा है इसको आप कंट्रोल एक्स करके फिर से आप अगर अपडेट करके फिर से आप पेस्ट करके फिर से आप अपडेट करते होगे तो ये पब्लिशिंग डेट जहाँ 00 बता रहा है एरर की वजह से, तो इसको चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारे इंस्टेंसेस में पेज अगर आपने देरी कर दी या कुछ फोन अटेंड कर दिया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई अपलोड के टाइम पे, तब ये एरर बिल्कुल बताता है जब आप क्रोम में पब्लिश नहीं करते हो। तो पब्लिश में अक्सर 000 आना बहुत ही कॉमन है, और डिस्क्रिप्शन भी हमारा बहुत ही अच्छी तरह से लगा है। और उसके बाद है वीडियो का जो भी पोस्टर वो भी बहुत ही अच्छा लगा है, और रहा बात वीडियो टैग्स की, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से लगे हैं। तो अब मैं लोगों के यहाँ क्लिक करूँगा, और मैं ये बता रहा था कि हमने अपना काम कर दिया गूगल में अपलोड करके, ये वेबसाइट में अपलोड करके, लेकिन गूगल को नहीं पता चला कि अभी भी पेज मौजूद है। तो इस चीज़ को गूगल सर्च काउंसिल कहते हैं। तो सर्च काउंसिल के लिए आपको मैं फिर से बताऊंगा कि गूगल में लिंक अपना जो ये जो लिंक दिखाई दे रहा है यहाँ वेबसाइट का जो लिंक है, ये इसको हम बताएंगे कि देखिए हमने पेज अपलोड किया है, तो इस चीज़ को कंसिडर करें। तो फायरफॉक्स में आओ और जो भी टैब आपने खोल चुके हो तो आप दूसरा एक टैब खोल के यहाँ google.com टाइप करके आपको
गूगल साइट मैप कंसोल, साइट मैप कंसोल, हाँ गूगल साइट मैप सर्च कंसोल, ओके गूगल मैप साइट गूगल मैप सर्च कंसोल भी कहा जाता है इस चीज़ को आप ऐसे क्लिक कर लो और यहाँ आपको आईडी पूछेगा। तो मैंने आईडी तो ऑलरेडी बना के रखा है, तो पासवर्ड तो मुझे ही पता होगा। तो आपको मैं इसका पूरा फोल्डर जो आईडी में है वो आपको मैं बाद में शेयर करूँगा, जैसे ही आप काम के लिए इंटरेस्टेड हो गए तो यहाँ कुछ अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिकवरी अपडेट या यू नो रिकवरी ईमेल ये आपको करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आपको यहाँ साइट मैप दिखाई देगा एंड गो टू न्यू सर्च रिपोर्ट, आपको ऐसे क्लिक करना है। यहाँ आ गया गूगल सर्च कंसोल, यहाँ आपको साइट मैप दिखाई देगा, ये तो मेन साइट मैप है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ जो लिंक है यहाँ आप कॉपी कर लो कंट्रोल ए कंट्रोल सी और एक टैब ओपन करके ये कंसोल को फिर से दोबारा इस चीज़ में ओपन कर दो। और जो लास्ट है टैब है साइट मैप का तो ये यहीं रख लो, क्योंकि ये साइट मैप लास्ट में होना चाहिए। और ये जो साइट मैप है यहाँ आप ओवरव्यू के यहाँ चले जाओ और यहाँ यूआरएल इंस्पेक्शन। तो ये दो हिस्से इसलिए मैंने ओपन किए हैं कि जब भी लिंक आपको इंस्पेक्शन करना है तो यहाँ आप पेश कर सकते हो। जो हमारा लिंक जो बना है हम यहाँ इंस्पेक्शन के लिए गूगल को यहाँ छोड़ेंगे और एंटर टाइप करेंगे रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम फॉर गूगल इंडेक्स। तो बोल रहा है कि टेस्ट लाइव यूआरएल, तो टेस्ट लाइव काले जो भी काला बटन है उसको हम प्रेस करके टेस्ट लाइव यूआरएल, तो ये जब हम हिट करते हैं तो बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन इस टाइम में आप दूसरे पेजेस भी अपलोड करके तैयार कर सकते हो जब तक ये अपलोड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए इतना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकूँ। तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे ही आप दूसरे पेजेस अपलोड कर रहे हो जब यहाँ की बारी आती है तो ये तब तक गूगल के यहाँ सबमिट होके उसका रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन की समस्या नहीं है इसमें। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही बड़ा लेंदी प्रोसीजर लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। पूरे अगर पेजेस खुल गए हैं, पूरी एप्लीकेशंस तैयार हो गई है तो आपको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। एक पेज तो 3 मिनट्स का भी टाइम नहीं लेता। अब चलो बात आ गई कि गूगल ने बता दिया कि URL is available to Google, availability desktop indexing के लिए available है, mobile user usability के लिए भी available है। तो request indexing ये hit करने से पहले मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको ये आपका काम मुझे बताओ कि आपने ये आज काम किया है। तो यहाँ लिंक है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको फायरफॉक्स एक्सटेंशन या एडवांस में जाना होगा। यहाँ एडवांस में आपको सर्च एक्सटेंशन फाइंड मोर एक्सटेंशन स्क्रीनशॉट या कुछ भी ऐसा एक्सटेंशन पर, अच्छा पेज स्क्रीनशॉट, ओके। तो इस चीज़ को आप ऐड टू फायरफॉक्स कर लो। तो अगर जैसे ही आपने ऐड कर दिया तो ये आपको कहाँ बता देगा, यहाँ बता देगा इजी स्क्रीनशॉट।
एक स्क्रीनशॉट या यूज स्क्रीनशॉट, ठीक है, यहाँ जो बता रहा है तो यहाँ बता देगा। ओके, तो इस चीज़ को आप क्लोज कर सकते हो, इस चीज़ को भी क्लोज कर सकते हो। तो यहाँ जो URL इंस्पेक्शन की बात आ रही है तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, तो मैं इस चीज़ को अभी हिट करूँगा। कैप्चर क्या करना है आपको, तो होल वेब पेज ही करना है, ठीक है, रीजन नहीं करना है, कंटेंट नहीं करना है, होल वेब पेज करना है ताकि मुझे दिखे कि आपने इस पेज के ऊपर काम किया है। तो कैप्चर होल वेब पेज, तो ये कैप्चर हो गया, ठीक है, मुझे तो लग रहा है ये हो गया। तो मैक्सिमाइज करके हम इस चीज़ को सेव एज इमेज भी कर सकते हैं। कहाँ करना है, यूज़र फोल्डर में जो डेस्कटॉप में है, और आज के जो जो फोल्डर है में, यहाँ आप सेव कर सकते हो इसको, यहाँ ऐसे भी सेव कर सकते हैं, यहाँ ऐसे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप यूज़र, यूज़र कहाँ है, ठीक है, कहाँ है यार, गॉड, मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इस चीज़ को हम दोबारा करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है, बिल्कुल सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एट दिस पॉइंट आई वॉज बिट कन्फ्यूज, बट स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना है आपको, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बाद मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट इंडेक्स करते हैं पहले, ब्रिजेस, यहाँ वेरीफिकेशन के लिए ब्रिजेस टाइप करोगे और वेरीफाई द डिटेल्स, सबमिटिंग रिक्वेस्ट हो रहा है, ये जब मामला आता है यहाँ, इंडेक्स रिक्वेस्ट, इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, URL एक बार ऐड चुका है, इसको बार बार ऐड करने से इसका प्रायोरिटी क्यू में ही रहेगा। आप हज़ार बार इसको ऐड करोगे तो आपका क्यू तो एक ही रहेगा, तो ये बता रहा है, और URL ये बता रहा है। तो मुझे इस चीज़ का स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैं होल पेज स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को सेव एज करूँगा। डेस्कटॉप यूजर 05 अगस्त में, यहाँ कैनवस बोल रहा है, तो आप इस चीज़ को कॉपी कर सकते हो ऐसे मधुमनु, तो सेव ऑल फाइल्स, ओके। तो देखते हैं ये कॉपी हो रहा है या सिर्फ ऐसा ही इसका ढोंग है। तो चलो, ये तो कॉपी हो गया, ये कॉपी ये चाहिए, जिससे मुझे ये कॉपी से ये पता चलेगा कि आपने इस लिंक पे काम किया है, तो इसके ऊपर आपको 1 रुपये मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऐसे पेजेस अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को गॉट इट, इस स्क्रीनशॉट को हम क्लोज करेंगे। तो ये जो है यहाँ गॉट इट, ये आपने अगर कर दिया तो जैसे ही आपको रिक्वेस्ट अगेन बता रहा है तो इसका मतलब ये अपलोड हो चुका है। चलो हम दूसरे पेज को अपलोड करते हैं, तो आपको पता चले कि कितना टाइम लग रहा है। अभी टाइम 1:23 हो रहा है, 47, तो हम 60 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स के बाद तो 24 हो जाएगा, 1:24, ठीक है, 1:24। चलो हम अभी शुरू, शिट, हाँ, तो सेकेंड पेज का शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये कॉपी कर लिया और ये पेज को आ गया, यहाँ आपको चेंज करना है टाइटल, उसके बाद फायरफॉक्स में जाना है और दूसरा वीडियो जो उससे रिलेटेड है उसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से आप कॉपी सावधानी से V=2 के बाद जो भी आ रहा है
तो इसको मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ मैं कॉपी पेस्ट करूँगा कोड को। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाता है, हट जाता है, तो डिलीट मार के इस चीज़ को सीधा कर सकते हैं। और एक बार मैं देख लूँगा कि ये पोस्टर अच्छा दिख रहा है या नहीं। तो बिल्कुल अच्छा तो इतना नहीं है, लेकिन कोई नहीं, इस चीज़ को ठीक है, कोई नहीं, नहीं तो हम दूसरा भी पोस्टर अपलोड कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। मधुर के लिए तो वो बहुत ही ठीक है, जैसे मूवीज जो ऐसा पोस्टर। तो उसके बाद हम इस चीज़ को टैक्स को तो अलग भी किया जा सकता है। तो इस मूवी के आधार पर देखते हैं टैक्स है कि नहीं। हाँ, तो टैक्स है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से पेस्ट करेंगे, ठीक है। मधुर के टैक्स यानी अपने डिस्क्रिप्शन, सावधानी से कॉमा कॉमा लगाए, तो कॉमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिना कॉमा के इस चीज़ को अपलोड नहीं करना है आपको। तो अगर ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो, ऐसी कोई बात नहीं। तो कॉपी टैक्स जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपी हो गए। अगर कुछ सीधा नहीं दिखाई दे रहा है तो आप सीधा कर सकते हैं। मैं अब पेज में जाऊंगा, ऐड वीडियो, ठीक है। स्टेइंग ऑन द पेज क्यों बोल रहा है बताएंगे, स्टेइंग ऑन द पेज बोल रहा है। जैसे ही मैंने आपको अपलोड के बारे में बता दिया, तो चलो अब चीज़ों को अपलोड करते हैं। थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ ये जो पूरा कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है, मैंने टैक्स को कॉपी करके जो कॉमा से रिलेटेड है उसको मैं पब्लिश करूँगा। एक बार पब्लिश हो गया तो इसका मतलब हम बिल्कुल इस टैग्स जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, या बिल्कुल टैग वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं कंटेंट से। तो कॉपी करने से पहले जो भी हमने पोस्टर को चूज़ किया है, इस चीज़ को प्लग, जहाँ प्लग दिखाई दे रहा है वहाँ हम पेस्ट कर देंगे, और टैग्स को बिल्कुल दोबारा कॉपी करके इस चीज़ को यहाँ पेस्ट करेंगे और पेज को अपडेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया तो ये क्रोम में आपको वेबसाइट भी दिखाई देगी, है ना, पेज दिखाई देगा, यहाँ पेज दिखाई दे रहा है। और इसका जो साइट मैप है, जो वीडियो साइट मैप पर्टिकुलर है, वो आपको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ नीचे दिखाई देगा। तो पब्लिशिंग डेट सही है भाई, तो काम बिल्कुल फटाफट किया है। अब इस चीज़ को गूगल साइट मैप में सबमिट करना है, तो मैं ये सबमिट यहाँ करूँगा। तो टेस्ट लाइन, तो ऐसे करने के बाद जैसे मैंने कहा था कि आप तीसरे पेज को भी जा सकते हो। तीसरा ख़त्म होने के बाद जब आप यहाँ आओगे तब तक गूगल अपलोड कर चुका होगा। तो एक्चुअली अभी टाइम 1:24 को स्टार्ट किया है, 1:29 हो रहा है, तो कोई नहीं। तो ये जो मैं समझाने के लिए मैं आपको इतना टाइम लगाऊं, नहीं तो एक पेज 3 मिनट्स लगता है। तो पहले तो काम सीखो करो, बाद में आपको इसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल
गूगल ज़्यादा टाइम लेता है चीज़ों को समझने के लिए। ये पूरा एक प्रोसेस रहता है उनके पास कि वेबसाइट का लिंक यहाँ रखो, थंबनेल यहाँ मिला है, तो ये पूरा श्योर करता है। तो यहाँ रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के बाद आपको वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो यहाँ वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस मैंने सबमिट किए हैं। तो यहाँ गॉट इट करने से पहले आई वांट यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, फुल पेज का स्क्रीनशॉट लेके इस चीज़ को आप सेव कर लो, है ना। सेव किसके नाम से करोगे, इसके नाम जो भी टाइटल दिया है उसके नाम से आप सेव कर लोगे। जो भी सेव करोगे तो वो यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। तो एक बार आपने गॉट इट कर दिया तो ये तो इमेज है भाई, तो इस चीज़ को इमेज को क्लोज कर देंगे, गूगल इंस्पेक्शन के यहाँ जाएंगे। गॉट इट कर दिया तो यहाँ जो रिक्वेस्ट अगेन बोल रहा है तो इसका मतलब है ऑलरेडी आप इस लिंक को अपलोड कर चुके हैं। अब रहा साइट मैप की बात, तो जब भी आपका काम ख़त्म होता है, जैसे मैंने दो पेजेस आपको अपलोड करके बताया, इसका मतलब है कि हम दो पेजेस पे काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है 2 रुपये तो मुझे आ ही गए। और 124 को स्टार्ट किया था तो 130 हो रहा है, तो बिल्कुल 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5 मिनट लगे। तो इस चीज़ को हम 3-4 मिनट्स में भी कर सकते हैं। तो रहा अब साइट मैप का मामला, ये मामला क्या है, इस चीज़ को आपको अपडेट करना है। इसका मतलब है साइट मैप में 582 पेजेस अब तक अपलोड हो चुके हैं, हमने 2 किए हैं, तो 582 उसके बाद 583 होगा, 584, तो 2 पेजेस ऐड करने से 584 दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए आपको अपडेट करना है, तो गूगल को इसके बारे में पता चलेगा। तो इस चीज़ को राइट क्लिक करके इस चीज़ को सेलेक्ट करना है, और तुरंत ही जैसे यहाँ आओगे वाई के यहाँ, यहाँ आपको कंट्रोल सी करना है कॉपी करने के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये पेज ऐसा भी दूसरे अंदर घुस जाएगा, तो इस चीज़ को आप फिर से कॉपी करके यहाँ से आराम से बैक चले जाओ और यहाँ सबमिट कर दो। तो इसका मतलब है 582 ही बता रहा है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो रिफ्रेश करोगे तो 584 दिखाना चाहिए, 583 बता रहा है। चलो एक पेज हमने अपलोड किया है, नहीं पता, लेकिन 583 बता रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज का भी ऐसा है, कॉपी कर लो, उसके बाद पेस्ट कर लो। अगर ये कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो बहुत ही आसान है भाई, ये फीड के ऊपर क्लिक कर दो, इसको यहाँ से स्लैश के यहाँ तक भी कॉपी कर लो, यहाँ ऑलरेडी स्लैश है इसलिए मैंने स्लैश कॉपी नहीं किया, तो सबमिट कर लो। ये सबमिट करने के बाद जब फीड सबमिट करते हैं लास्ट में सीरियल ऑर्डर के बाद, तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे आखिर में चाहिए कि आपने इस चीज़ के ऊपर काम किया है। तो फाइनल वर्क स्क्रीन साइट मैप, फाइनल वर्क का 5th अगस्त, जब 50 या 30 पेजेस के बाद आप इस चीज़ को साइट मैप के नाम से मुझे दे दो। अपडेट, फाइनल वर्क डन। शाम का समय है भाई, या कभी भी कोई सा भी समय है, तो ये आप हर बार मुझे इस चीज़ को vijaykumar0829 पे सेंड कर दो, इससे मुझे पता चल जाएगा, ओके। तो इस इमेज को मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ गॉट इट कर दिया मैंने, और यहाँ भी गॉट इट करके मैंने रख दिया। तो पेजेस अपलोड करना का मतलब ये है कि आपको इसका स्क्रीनशॉट भी देना होगा, जिससे मुझे पता चलेगा। अगर आप इसी फायरफॉक्स में जीमेल टाइप करते हो
तो जीमेल टाइप करो और मुझे अपना काम बताओ कि आपने ऐसा काम किया है, इतने पेजेस अपलोड किए हैं। तो यहाँ आपको ये काम करना है कि यहाँ ये कंपोज का पहले से ही ओपन करके रखना है। तो इसमें आपने दो लिंक आज अपलोड किए हैं, तो ये लिंक को कॉपी कर लो। ओके, ये लिंक को ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। और एक लिंक हमने जो सेकंड बार किया है, इस लिंक को मैं ऐसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। थोड़ा गैप बना लो भाई, क्योंकि पूरा गजब अचड़ा नहीं करना है आपको। इसके बाद अटैच फाइल्स, तीन जो फाइल्स हमने हैं अटैच करने हैं। एक तो हो गया, उसके बाद अगस्त 5th अगस्त AUGST अगस्त 2019 को आपने वर्क किया है, तो वर्क भी लगा सकते हैं। तो इससे मुझे ट्रैक मिल जाएगा कि विजय कुमार 0 है। जैसे ही आप वीप टाइप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ आपको ईमेल सेंड करना है। जैसे ही मैंने ये सेंड कर दिया तो मुझे ये यहाँ पता चल जाएगा, जैसे ही मेरे ईमेल पर पता चल जाएगा कि हमने इस लिंक के ऊपर काम किया है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ है, तो ये फाइनल वर्क का है। ठीक है, इस चीज़ को हम ये देखेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। गाना 369 तेलुगु मूवी पे काम किया था, ये उसका लिंक है। तो इसका साइट मैप आपने सबमिट किया है, तो ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि आपने इतने लिंक्स के ऊपर काम किया है। अब रहा साइट मैप का मामला, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। इसमें URL इंस्पेक्शन यानी साइट को लिंक को सबमिट करके गूगल को बताना है, अप्रूवल करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन क्वेश्चन के बाद आपको सबमिट करना है, उसके बाद स्नैपशॉट लेना है, वो स्नैपशॉट को मुझे सेंड करना है। इसका मतलब है कि हमने गूगल को बता दिया। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल दोबारा भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप मिस हो गए तो आप दोबारा नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप दोबारा सबमिट करो, लेकिन बिल्कुल करना, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने काम किया है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट से भी पता चल जाएगा कि आपने साइट मैप सबमिट किया है या नहीं। तो URL इंस्पेक्शन भी करना है, आपको साइट मैप्स भी सबमिट करने हैं। हर बार साइट मैप भेजने की ज़रूरत नहीं, एंड ऑफ द वर्क जब आप साइट मैप को सेंड करोगे, उस चीज़ को फाइनल वर्क के द्वारा आप मुझे बता सकते हो। तो ये रहा भाई वेबसाइट का मामला। तो अगर आपका काम बहुत ही अच्छा रहा तो ये पर पेज अपलोड 2 रुपये भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पहले सीरियसली आप कैसे काम करते हो वो मुझे बताओ। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। मैं आपका बिल्कुल और समय वेस्ट नहीं करना चाहता, और जैसे ही आप रोज़ डेली काम करोगे, डेली तो मनी नहीं मिलेगा आपको, पर मंथ जितना भी वर्क आपने किया है उसका मनी आपको बिल्कुल मिल जाएगा। इसमें कोई झिझकने की बात नहीं, ये बिल्कुल फेक जॉब नहीं है, ना ही ये एफिलिएटेड वर्किंग है, ना ही ये एड क्लिकिंग जॉब है, ना ही ये डेटा एंट्री है, ये बिल्कुल पेज अपलोड का काम है। जो भी काम करना है सोच समझ के, अच्छे दिल से, अच्छे मेहनत से आप करो और इसका पेमेंट आपको बिल्कुल मिलेगा। ये घर में करने का काम है, तो इसमें इंटरनेट का स्पीड अच्छा ही रहना चाहिए, इतना भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पेज को अपलोड करना है, तो बहुत ही स्लो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि पब्लिशिंग डेट, जैसे पेज को अपलोड कर रहे हो तो 5 मिनट लग रहा है, भाई पेज नहीं खुल रहा है, ये नहीं खुल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसमें इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। और रही बात पैसों की, तो पैसे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं दूसरे सोर्स में जो भी नौकरी करता हूँ उससे, उसके सैलरी में से निकाल के आपको दूंगा। तो ये वेबसाइट बहुत ही प्यारी है और इस के बेसिस पे ही आपको भी इनकम मिलेगी, और
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप करो बहुत दिल से करो, बहुत मेहनत से करो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट। जो भी आपको फाइल्स अगर चाहिए तो मैं यूज़र का जो भी फाइल है मैं आपको जिप फॉर्मेट में दे के आपको मैं ईमेल कर दूँगा। तो व्हाट्सएप में 9603675116 पे मुझे मैसेज करो और इसका ईमेल भी आप मुझे पेश करके, पहले तो आपसे बातचीत होगी, पहले तो मैं देखूँगा तो भाई जिन्हें बंदा है या नहीं, काम में इंटरेस्टेड है या नहीं। तो जो भी मैं सिखा रहा था तो ये आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो अब रही बात मूवीज़ की, अगर एक सेक्शन, हाँ तो मैं एक बात भूलना भूल गया कि ये मन मधुरू के जो भी सॉन्ग्स हैं, तो अगर आप सॉन्ग्स का लिस्ट देखोगे तो आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, लिस्ट सॉन्ग लिस्ट, बहुत सारे सॉन्ग लिस्ट कहाँ हैं भैया, थोड़े लिंक्स दिखाई देते। देखो ये रहा, ये वेबसाइट से काम नहीं कर सकते हैं यार, तो लिस्ट बहुत लोग नहीं रखते मन मधुरू फ्री सॉन्ग्स। देखो यहाँ कितने थे टाइटल्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइटल्स हैं। कोई नहीं भाई, हाँ तो इसमें आपको हे कुछ है, हे ये टाइटल कॉपी करके मन मधुरू सॉन्ग, ओके ठीक है, ये भी सॉन्ग, ओके तो इसका भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। अभी ये हो गया इसका, तो ये पूरा मूवी से रिलेटेड सॉन्ग है, तो आपको ये भी अपलोड करना है। तो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने भी होंगे मैं इसके बारे में देती रही हूँ, हो गया 15। तो एक बार ये हो गया तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू बुक माई शो, वहाँ आप लेटेस्ट जो भी मूवी है वो ले सकते हो, नहीं तो आप अपकमिंग मूवीज़ भी ले सकते हो, क्योंकि लोग तो ज़्यादा अपकमिंग मूवीज़ नहीं देखते, लेकिन अगर फ्यूचर में तब तक हमारा इंडेक्स हो ही जाएगा, जब अपकमिंग, जैसे मैंने बुक माई शो में टाइप किया तो यहाँ व्यू ऑल का जो लिंक होता है, यहाँ से आप हिंदी या तेलुगू या जो भी है, इंग्लिश के ज़्यादा मत लेना क्योंकि इंग्लिश के बहुत ही कम ये होते हैं, तो हिंदी में आप अच्छा जो भी मूवी है उसको आप देख सकते हो। अभी कमिंग सून में अपकमिंग जो भी मूवीज़ हैं हिंदी में, आप उस चीज़ को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ आपको कौन सी मूवी अच्छी लग रही है, तो ये मूवी अच्छी लग रही है, बाटा बी एड बटला हाउस, बी ए टी एल ए बटला हाउस कॉपी कर लो, और इस चीज़ को आप यहाँ ऐसे करके जैसे मैंने कहा एडिट रिप्लेस विद बटला हिंदी, ठीक है हिंदी, तो ये अगर आप ऐसे रिप्लेस करोगे, कैसे क्या रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस करना है, जैसे आप रिप्लेस करोगे तो पूरे रिप्लेस हो गए। तो इसके आधार पे सॉन्ग्स भी आप सर्च करके आप डालोगे तो ये आपका नया पेज शुरू होगा, तो आपको करते ही जाना है, ओके। तो ऑल द बेस्ट, जैसे ही आपको इसका थीम मिल गया तो आपको इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी कि आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है, ये थीम जो बटला हाउस के ऊपर आपको पेजेस अपलोड करने हैं। तो ऐसे ही जो भी मूवीज़ अपकमिंग है या कमिंग सून वाली मूवीज़ है उसको आप अगर करते हो तो इसका बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। तो ये वर्क को मैं यहीं, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, होप सो आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो मिनिमाइज़ करके ही करना हर पेजेस को, ओके,
ऑल द बेस्ट, और जो भी है डाउट 9603675116 पे बता देना, मैं इस चीज़ को अभी